दोस्तों फाइनली काफी इंतजार के बाद सनी देओल अपनी गाड़ी से आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग व्हाइट वाली गाड़ी में आगे सनी देओल बैठे हुए हैं, फोन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हजारों फैंस भाई जुटे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए सनी देओल का लाइव वीडियो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, गेट खुल रहा है, ये देखो भाई सनी देओल जी बाहर आ रहे हैं, ये देखो ये है सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल और ये यहाँ पर आ चुके हैं। मिला अनिल भाई, ये क्या है? भटूरा छोले। और इधर देखिए सनी देओल जी के स्टूडियो के बाहर डांस चल रहा है भाई, आज बर्थडे के दिन पूरा यहाँ पे लोग सनी देओल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जुटे हुए हैं। इधर देख सकते हैं G5 के मंच पे सनी देओल अपने दोनों बेटों के साथ खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं हम लोग मुंबई के जुहू में, जहां पर है सनी पाजी का सनी विला और आज है सनी पाजी का बर्थडे। तो यहां पर कई सारे लोग दूर दराज से सनी पाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं और हमारे पीछे भांगड़ा भी चल रहा है और आप लोग सुन ही रहे होंगे काफी मस्तियां यहाँ पर लोग कर रहे हैं और बहुत ही दूर दराज से आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सनी पाजी के बर्थडे का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो तरुण भाई पहले पहुंच जाता है, संजीव भाई भी आए, सनी पाजी भी, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे भाई साहब भरपेट खाना पीना मिल रहा है, सबसे पहली बात खाना पीना पानी का पूरा व्यवस्था किया गया है। पूरा देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है हमारे पीछे, हर जगह आपको क्राउड ही क्राउड नजर आ रहा होगा। और इधर देखो, इधर भाई सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं, इस गेट के अंदर से आप लोग खाना वाना जाके ले सकते हैं और खाने में क्या क्या मिल रहा है ये आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा अच्छे से भाई। तो चलिए फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं सनी देओल के स्टूडियो के सामने सनी विला और यहाँ पे धर्मेंद्र जी का बहुत ही बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और यही है सनी देओल का स्टूडियो जहाँ पर आज हजारों फैंस जुटे हुए हैं और ज़्यादातर लोग ना पगड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं। ये लोग भांगड़ा वाले लोग हैं, अभी जैसे सनी देओल जी आएंगे ये लोग भांगड़ा करेंगे भाई। और ये है सनी देओल जी का मेन गेट सनी विला का, इनका यही विला ना नीलाम होने वाला था लेकिन फिर नीलाम होने से बच गया। ये देखो भाई पटाखे यहाँ पर जलाए जाएंगे, इसके लिए लाए गए हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सनी विला। ये मुंबई के जुहू में है जहाँ पर शिल्पा शेट्टी का और श्रद्धा कपूर का घर है। ये देखो पटाखे यहाँ पर बिछाए जा रहे हैं, ये भाई चटाई बम है, जब आएंगे वो तब यहाँ पर चटाई बम फोड़ा जाएगा। और काफ़ी लोग तरह तरह के यहाँ पे भांगड़ा वगैरह लेकर आए हुए हैं सनी देओल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी तो आपको थोड़ा सा कम भीड़ देखने को मिल रही होगी लेकिन अभी कुछ देर में भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से पहले ही आ गया था। ये है उनका विला, यहाँ पर देखो अभी भीड़ आपको काफ़ी कम नज़र आ रही होगी लेकिन भीड़ धीरे धीरे अभी बढ़ने वाली है। ये सनी देओल जी के इस विला का दूसरा गेट है और काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने इस स्टूडियो को बनवा के रखा हुआ है। और ये देखो बगल में घर है भाई और सीधा शिल्पा शेट्टी का घर है, श्रद्धा कपूर का घर है। और यहाँ सामने का नज़ारा क्या है, अब धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ भी रही है। आइए मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर व्यवस्था क्या क्या हुई है भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था हुई है, इधर पानी लगाया गया है भाई ताकि सभी लोग जिनको प्यास लगे वो पानी पी लें। और यहाँ पर खाना पीना का भी व्यवस्था हुआ है, अभी हम आपको वो भी दिखाएँगे। इधर देख सकते हैं कि जितने लोग पगड़ी बांधे हुए हैं वो सभी लोग भांगड़ा वाले लोग हैं और उन लोगों को अब अंदर लिया जा रहा है, मतलब अंदर स्टूडियो में के अंदर बुलाया जा रहा है क्योंकि अब सनी पाजी कुछ ही देर में ना आने वाले हैं, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वो अपने जुहू वाले घर से यहाँ के लिए आएंगे, उधर भी भीड़ है लेकिन इधर ज़्यादा क्राउड है। तो ये लोग अंदर जा रहे हैं भाई, अब यानी उनके आने का संकेत मिल गया है। तो मैं आपको सनी पाजी का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊँगा केक कटते समय भी और सनी पाजी से हम लोग मिलेंगे भी, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये सभी लोग सनी पाजी के फैंस हैं, काफ़ी उत्सुक हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। गाइस फिलहाल खाना पीना शुरू हो चुका है, आइए आपको हम दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। देखिए सनी विला का दूसरा गेट है
जहाँ पर आपको खाना मिल रहा है, और सामने ही पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो ये देखो भाई, सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और खाने में क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। छोले हैं, भटूरा है भाई साहब, ये देखो ये लोग खाना पीना खा रहे हैं। मिला है देखो भाई, क्या क्या मिला है अनिल भाई? ये क्या है? भटूरा, भटूरा, छोले और ये बिरयानी। हाँ तो भाई लाल मोहन भी था, बट एक ही था तो मैंने खा लिया। तुम लाल मोहन खा गए कि मैं ना खा पाऊँ? एक ही था। हाँ मैं बोला तो उधर है तो मैं खाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर सनी देओल के विला के सामने ये खाना पीना चल रहा है अभी। ए सतवन, क्या मिला? खाने के लिए नाश्ता मिला है, खाने के लिए बिरयानी है, लाल मोहन। गाइस फाइनली हम लोग खाना खा रहे हैं, नाश्ता पानी हो रहा है भाई। सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी बाजी आने ही वाले हैं। शत्रुघ्न पहले खाना खा रहा है, बहुत जोर से भूख लगा है। मेरा भी बना दो वीडियो भैया। खाने में क्या क्या मिला? रसगुल्ला, पुलाव है, छोला है, सब कुछ है भाई। आई सौर। तो गाइज फाइनली काफी इंतजार के बाद सनी पाजी आ चुके हैं, देख सकते हैं इसी व्हाइट वाली गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं, फोन से बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और सभी लोग उनकी गाड़ी को भाई घेर लिए। ये देखो गाड़ी उनके विला के अंदर जा रही है, और अब यहाँ पे असली हंगामा शुरू होगा गाइज, क्योंकि इनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा। देखो गेट को बंद किया जा रहा है कि सभी लोग अंदर ना चले जाएँ, और उनकी गाड़ी अंदर गई भाई। ये देखो सनी पाजी इसी गाड़ी में है, और ये उनका विला है, ये उन्हीं का स्टूडियो है सनी पाजी का ही। सनी पाजी के आते ही भांगड़ा चालू हो गया भाई, काफ़ी शोर शराबा शुरू। ये देखो भाई अब भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है, सभी लोग हाथ में गुलदस्ते लिए हुए आ गए हैं, और ये सनी पाजी की गाड़ी आगे खड़ी है। सनी पाजी उतर के स्टूडियो के अंदर जा रहे हैं, देखिए आगे भी वहाँ पर लोग मीडिया वाले पहले से ही जाकर खड़े हैं। गाइज यहाँ पर NI वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, देखिए किस तरह की तैयारी करके आए हैं आप सनी देओल जी के बर्थडे में, ऐसा क्वेश्चन इन लोगों से पूछा जा रहा है। ये देखो भाई साहब गुजरात से आए हुए हैं, वो लुधियाना से आए हुए हैं, और इधर बमबारी शुरू, पटाखे। ये देखो गाई भाई, सभी लोग वो जगह छोड़ के भाग गए, क्योंकि पटाखे फूट रहे ना तो इधर उधर छटक रहे भाई, वहाँ से सभी लोग इधर गायब हो गए, कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर चले आए। सनी विला के सामने पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सीधा रास्ता ये शिल्पा शेट्टी के घर पर चला जाएगा, और वहीं पे श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर का भी घर है पाम बीच। और इधर देखो भाई मीडिया वाले बड़े बड़े कैमरे लेकर चारों तरफ घेर के रखे हुए हैं। इधर भाई साहब आ गए लोग धुन बजाने वाले, भाई मस्त धुन बजा रहा है बंदा, अभी मैं आपको पूरा लाइव दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। ये देखो दोस्तों, इधर देखो भाई डांस शुरू हो गया सनी विला के सामने, सभी लोग सनी देओल जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एकदम उत्सुक है भाई उनसे मिलने के लिए, और इधर डांस की प्रतियोगिता शुरू हो गई है इस धुन पे, और काफ़ी बढ़िया उन्होंने ये धुन बजा के रखा हुआ है। ये देखो भाई क्या बात, एक नंबर भाई, ऐसा होता है जश्न का माहौल। ये देखिए सर, क्या कितने मतलब बड़े बड़े फ्रेंड्स आए हैं, और सभी लोग काफी दूर दूर। सर आप ये मेरे भाई हैं, ये सनी पाजी को गिफ्ट देने के लिए लेकर आए हैं, तो उनको देंगे मिलके देंगे। चलो भाई, तो देखो ये लक्ष्मी जी का और गणेश जी की प्रतिमा है, छोटी सी उनका पादुका है, चरण पादुका। दोस्तों ये देखिए सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल आ चुके हैं, और गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं। ये देखो ये करण देओल यहाँ पे सभी लोग से वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे हैं करण देओल, सनी देओल के बड़े बेटे जिनकी हाल ही में भी शादी हुई है, और ये भी अपने पिताजी यानी सनी देओल जी का बर्थडे मनाने के लिए सनी विला पर आ चुके हैं। तो ये गाड़ी अंदर गई, और देखो भाई बाउंसर लोग काफ़ी बदतमीजी कर रहे हैं आज के टाइम, आज के दिन बहुत बदतमीजी हो रही भाई। ये देखो करण देओल गाड़ी में ही अभी हैं, और यहाँ पर देखो ये G5 का
मंच जो है वो सज चुका है, सारे मीडिया भाई अंदर है। अभी सनीपा जी यहीं पर आकर केक कट करेंगे। ये सनीपा जी के छोटे बेटे आ चुके हैं राजवीर देओल, ये देखें इस गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं और यहीं पर उतरेंगे ये। और यहाँ पर भाई साहब ढोल नगाड़े चालू हैं, ये देखो ये हैं उनके छोटे बेटे राजवीर देओल, लाइव वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। वो यहाँ पर उतर गए भाई और अब अंदर जा रहे हैं अपने स्टूडियो में। ये भी यहाँ पर आ चुके हैं सनी विला में उनके छोटे बेटे। ये बाउंसर देखो भाई, सभी लोग रोक दे रहे हैं, किसी को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, बस जान पहचान वाले अंदर घुस रहे हैं। बाउंसरों की मनमानी चल रही है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। इधर देखो G5 का मंच तैयार और यहाँ पर अभी सनी देओल अपने दोनों बेटों के साथ आकर केक यहीं पर कट करेंगे। देखो दोनों बेटे उनके पीछे, करण देओल और राजवीर देओल, और आगे टोपी लगा के सनी देओल जी भी मौजूद हैं। ये मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ सनी देओल जी के बर्थडे के दिन का। अभी हम लोग इनसे मिलेंगे भी और अच्छे से इनका पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई उनके छोटे बेटे, केक कटिंग हो चुका है, अभी वो वीडियो आगे दिखाऊंगा। और उनके छोटे बेटे अब यहाँ से स्टूडियो से निकल रहे हैं, राजवीर देओल यहाँ से जा रहे हैं भाई। ये देखो आगे गाड़ी में बैठे हुए हैं उनके छोटे बेटे सनी देओल के, यही है राजवीर देओल भाई। अभी मैं आपको पूरा सनी देओल का भी लाइव वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि अब हम लोग उनसे मिलेंगे और उनके साथ फोटो वीडियो भी बनाएंगे अच्छे से। ये केक था भाई, कटिंग जो हुआ है सनी पाजी ने कटिंग किया है, वो यही केक है। और इधर मीडिया वाले भी मौजूद है। और इधर देखो सनी पाजी का लाइव वीडियो, ये देखो सनी पाजी सामने से ही मेरे गुजर रहे हैं यहाँ पर देखो। और ये देखो फाइनली गेट खुल चुका है और सनी पाजी अब बाहर आ चुके हैं। मेरा कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया था भाई। और ये देखो सनी पाजी का लाइव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, भांगड़ा बज रहा है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ तेज आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन सनी देओल का लाइव वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ये बाहर आ रहे हैं अपने सभी फैन से मिलने के लिए। गदर 2 मूवी जो है वो हिट हुई है और काफ़ी खुश हैं ये भी। यहाँ पर देखो सनी पाजी अब सभी लोगों से यहाँ पर बाहर मिल रहे हैं खड़े होकर और वेब भी कर रहे हैं सभी लोगों के साथ मिलकर। ये देखो सनी देओल का लाइव वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सनी देओल जी फिर अपने विला में वापस जा रहे हैं और अब ये बारी बारी से सभी लोगों से मिलेंगे और फोटो क्लिक करवाएंगे। और देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो गई है भाई, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और सभी लोग धक्का मुक्की करने लगे हैं, इसकी वजह से फिर वो अंदर चले गए, नहीं तो वो तो बाहर ही आ रहे थे। यहाँ पर देखो बाउंसर लोग ज़बरदस्ती लोगों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही यहाँ पर अंदर घुस गए भाई। ये है सनी विला जहाँ पे आज सनी देओल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और दोस्तों फाइनली हम भी अंदर आ गए हैं और देखिए यहीं पर सनी देओल जी बैठे हुए हैं और मैं भी लाइन में लग गया हूँ भाई। ये सनी देओल जी हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सनी पाजी बैठे हुए थे सामने ही। और देखो सबके साथ मिलके वो फोटो क्लिक करवा रहे हैं, ये सनी पाजी हैं भाई। और ये सामने देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है फोटो क्लिक करवाने के लिए सनी पाजी। दोस्तों ये सनी पाजी के स्टूडियो के अंदर का नज़ारा है, तो आइए अब हम लोग भी चलते हैं और उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो फाइनली हम लोग वहाँ उनसे मिले और फ़ोटो भी क्लिक करवाएं तो काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और क्राउड भी देखिए काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि सनी पाजी सभी लोगों से बारी बार की करके यहाँ पर मिले हैं और सभी लोगों के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाया उन्होंने। तो गाइज अभी हम लोग सनी पाजी के विला पर ही मौजूद हैं और हमारे साथ सभी भाई लोग हैं और हम लोग सनी पाजी से फोटो क्लिक करवा चुके हैं ना भाई। सभी लोग भाई फोटो क्लिक करवा लिए हैं और काफ़ी खुश हैं। सनी भाई का नहीं हुआ है, ये लेट आए हैं और अभी भी यहाँ पर लोग रुके हुए हैं कि सनी पाजी भी अंदर ही हैं, तो क्या पता फिर एक आध बार फोटो खिंचवाने के लिए उनसे मिलने के लिए चांस मिल जाए। तो हम लोग भी यहीं पे हैं और इस वीडियो में आपको पूरा ब्लॉग दिखाया हूँ, तो आप लोग ब्लॉग जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, धन्यवाद।